इलेक्ट्रिकल विजन की ओर से आप सभी सब्सक्राइबर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली त्योहार है दीपों का और खुशियों का, तो आइए इस दिवाली को मनाते हैं खुशियों वाली दिवाली। इस दिवाली खुशियों वाली दिवाली कैसे मना सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। जब भी हम लोग दिवाली का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है दीप यानी दिए। तो दिवाली, जैसा कि सब जानते हैं कि दिवाली त्योहार है दीपों का, प्रकाश का पर्व कहा जाता है इसको। परंपरा रही है कि दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, परंतु आज हम सब इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न जमाने में एलईडी झालरों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भले ही एलईडी लाइट से सजे घर दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन जो दीपावली का अर्थ है यानी दीपों का उत्सव, उसको हम लोग सार्थक नहीं कर रहे हैं। आज शायद यही कारण है जिसके वजह से दीप तले अंधेरा हो गया है और दिए बनाने वाले जो कि दूसरों को घरों को रोशन करते हैं, उन्हीं के घर आज अंधकार है। आज के समय में मानो कुम्हार यही कह रहा है कि बना के दिए मिट्टी के, जरा सी आस पाली है, मेरी मेहनत खरीदो लोगों, मेरे घर भी दिवाली है। कुम्हार को ईश्वर ने कला दी है कि वो मिट्टी को जिस रूप में चाहे उसमें ढाल दे, परंतु उसकी इस कला को आज कोई पूछने वाला नहीं है, जिस कारण आप देख सकते हैं कि उसकी जो अवस्था है वो क्या होती जा रही है। जीवन यापन की अवस्था कुम्हार की धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो आइए खुद से एक वादा करें इस दिवाली कि झालर अगर ले रहे हैं तो झालर लें, लेकिन साथ ही किसी कुम्हार को यदि आप दिए बेचते देखें या फिर और कोई सामान बेचते देखें तो आप उससे भी कुछ सामान ले लें, क्योंकि उसके भी परिवार है, उसको भी दिवाली मनानी है और उसके घर भी खुशियां आनी है। तो अगर आप इस दिवाली ऐसा करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि अब कुम्हार से भी मैं हर दिवाली दिए खरीदूंगा, तो उनके घर भी खुशियां आएंगी और उनके घर भी लोग अच्छे से दिवाली मना सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। यही एक छोटा सा मैसेज था जो आपको देना था। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली शुभ हो और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।